तो आज पहुंच गए भाई, काली शर्ट पहन गए, काले मोतियों के डेयरी फार्म पे, राजेश करेला, स्वर्गीय राजेश करेला डेयरी फार्म पे। हर बार की तरह एक बार फिर देख लो भाई, लाइन में लग रहे हैं 9-10 काले मोती हैं, इनकी वीडियो बनाएंगे। और भाई हाल ही में भाई पहला मेला देख के भी वापसी पहुंचे विक्की भाई से जानकारी लेंगे, कैसा अनुभव रहा मेले का और कैसी वहां की प्रतियोगिता रही। पशुओं का जिक्र, पशुओं फिक्र, पशुपालक मंच यूट्यूब चैनल पर अजय विंद्रोली की तरफ से सारे भैया ने राम राम भाई। एक बार फिर पहुंच गए हैं भाई स्वर्गीय राजेश करेला डेयरी फार्म पर। भाई काले मोतियों का डेयरी फार्म है वो, इसलिए क्योंकि बहुत काले मोती इस खान में तो निकल के गए हैं, मेला के ग्राउंड में उड़ जाके वे चैंपियन बने हैं, लाल फूल बंधवा के और जब घर पाए हैं। उसी तर्ज पर विक्की भाई ने काम संभाला है, लगातार ऐसे ही शानदार पशु इस डेयरी फार्म तो आपने आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में कितने पशु होंगे भाई वह जानकारी लेंगे विक्की भाई से। विक्की भाई राम राम। राम राम भाई। दर्शकों और राम राम करते राम राम भाई, सारे भाई राम राम। और ठीक हो भाई साहब? दे भाई, कई वीडियो में पहले मैंने भाई का नाम बताया है, मुकेश नाम है वैसे नाम तो भाई का, पर मुकेश भाई ने प्यार तो राजेश भाई विक्की का थे, तो मेरे मुंह तो भी बार बार विक्की लग रहा है क्योंकि बैठे हारते बातचीत करा करते। तो भाई विक्की नाम लूंगा माज के बाद वीडियो में। कोई बात नहीं भाई, और सब ठीक है भाई साहब? बढ़िया जी। तो भाई काम तो पहले भी 3-4 वीडियो डाली है। हाँ, विक्की भाई तकरीबन सेल हो गए पशु? हाँ, सारे सेल हो गए थे भाई। ठीक चल रही है एवरेज? हाँ बढ़िया है भाई। ट्रांसपोर्ट का काम छोड़ गए, यो आपने अपनाया था क्योंकि यो दादा लाई काम है, आपके पिताजी ने इसमें इज्जत कमाई नाम कमाया, राजेश भाई ने इसमें इज्जत कमाई नाम कमाया। और भाई आपने फिर उस दिन फोन पर यह बात कही थी भाई इसी को बढ़ावा देंगे हम। हाँ बढ़ावांगे, इससे काम ना आगे बढ़ावांगे। मेले में घूमे? हाँ मेला गए थे भाई। किस आग लग गया उड़ेगा माहौल? बढ़िया लग गया भाई। ठीक लग गया? हाँ बढ़िया। वो देखने गए थे को पशु ले गए थे? ना मांस ले गए थे अपनी भी, वाह वीडियो में जो चक्रा। एक टाइम जी की लाइव मिल्किंग करी थी? हाँ लाइव मिल्किंग करी थी अजय भाई, अपने गांव में 23,750 रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है उसका एसएलडीबी में। अच्छा फिर धनोला ले गए थे उसने भी। फिर उड़े तो चैंपियन 22 किलो 320 ग्राम ममित भाई की। हाँ 22 320 में बन गई भाई। अपने वाली में क्या दिक्कत रहेगी? अपने वाली में दिक्कत भी क्या रहेगी अजय भाई कि मैं तो पहले था एसएलडीबी में रिकॉर्ड करवाया, जब मास की थोड़ा डाइट उन्नीस किलो 644 ग्राम। हाँ टोटल 644 हुआ था। देन यू कहा करें बल्ला भाई ग्राउंड में जितना उतरोगे उतना अनुभव बढ़ेगा। तईब ईसा मन कर आगे और मेले भी देखा? हाँ जावांगे भाई। देखोगे अगले मेले में जावांगे भाई तकरीबन मेले में जी सा पशु होगा उसे लगाऊंगे करांगे भाई और भैया तो भी कहां हम तो भाई। अच्छा जी पहले तो न्यू मान्या कर दे, अगर अब भी डरे हैं लोग, डर रहे थे अब भी। अच्छा जी नहीं तो 20-22 किलो उसका और भी मासा तैयार हो बिल्कुल, फिर 27-28-30 किलो का रुक के डर रहे थे भाई लोग, इस रुक के डर रहे थे। पर भाई घबराओ ना, जो जो काम भाई डंगर अपना ले जाना चाहिए भाई, ओडा चाहे अपनी का 18-19 किलो भी है। सही बात है जी, वो तो मेला मिसा काम है भाई, केवल 19 किलो वाली तो 23 काट दे। हाँ हाँ। और नहीं तो 23 वाली 27 वाली 19-20 पे भी रहेगी, 19-20 पे भी रह जाए। और भाई बहुत बढ़िया मैनेजमेंट कर रखी थी धनोला मंडी। हाँ मैनेजमेंट बढ़िया, कमेटी ने बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी मैनेजमेंट थी। उन्होंने पहल करी है भाई, एक तो टिके टाके लावे थे उनको रोकने के लिए, बहुत बढ़िया प्रयास करा उन्होंने, अच्छा भी रहा, बहुत बढ़िया रहा। एक दो मास का भाई जरा भी सुना था उड़ा को उनको डिस्टर्बेंस भी हुई है। अच्छा जी, तो उस चीज का उसके भाई अपना हरियाणा में भी फर्क पड़े और पढ़ना भी चाहिए। देखो हमने भी देखा था भाई, चलो कोई भाई पकड़ा गया उसमें गलत तो गलत है कुल मिला गया, उसमें भाई आम पशुपालक का हौसला बढ़िया है, इस मेले तो बहुत बढ़िया है, घना बढ़िया है भाई। 22 किलो की फर्स्ट आगी तो अगर हम भी तैयारी करेंगे, मेहनत तैयारी करनी चाहिए भी लोग। तो कितने पशु आज की वीडियो में भाई? आज है तो 18-19 भी दिखावांगे आप, 12-14 आजा भाई बिट्टू पहले नंबर वाली। तो ये पहले नंबर पर जो है विक्की भाई, एक बार इसकी बता दो डिटेल। या सेकंड टाइमर है जी अभी। सेकंड टाइमर है या? हाँ सेकंड टाइमर है और इसने रात ने बच्चा दिया था। आज रात ने बच्चा दिया है इसने? हाँ नीचे कटिया है। अच्छा जी। हाँ धारा ही बहुत बढ़िया है अभी दवाई की। धारा की बढ़िया, सेकंड टाइमर है और पहले ब्यात में कितना दूध काट रही है? पहले ब्यात में भाई इसने काट है 13-14 किलो। 13-14 किलो। हाँ एक बार फिर ले जा भाई घुमा के न्यू कैमरे कन्या भाई। बढ़िया छोटे सींग की है,
और लेवटा आपने देख लिया होगा इब खीस में खड़ी है, रात ने बच्चा दिया ना? हाँ, रात ने बच्चा दिया, रात ने बच्चा दिया। 15-16 किलो की तो उम्मीद करते होंगे? 16 किलो तो करना चाहिए भी, काट देगी जोड़ी, दम बहुत है, दम बहुत है। 15-16 किलो की उम्मीद करते हैं भाई इससे। सेकंड टाइमर बच्चा दे रही है। कटिया कटड़ा है इसके, कटड़ी है नीचे, इसके फीमेल काफ है, कटड़ी है भाई, और भाई पड्डी है। हाँ, तीन भाषा में बता दी है, पड्डी कटड़ी फीमेल काफ। तो क्या कुछ रेट है इसका? इसके 182,000 रुपये है जो भी। 182,000 रुपये? हाँ भाई। भाई साहब 2,00,000 रुपये के लगभग कीमत होगी ना? 182,000 की देवाई भाई, कीमत तो इसकी 2+ की है भाई। 2+ की है, और भी है 2.5-2.5 की, हमें भी कोशिश करांगे 2 के भीतर देने की भाई। अच्छा जी। हाँ देखो जी, सींग शांग की तो है अच्छी ना, खूब अच्छी है। फिर है दूध, आप बताओ इसमें एक कम से कम 16-17 की उम्मीद, 16-17 किलो दे देगी भाई। तो 182,000 रुपये, 182,000 रुपये कीमत है। ज्यादा तो नहीं है भाई साहब? ना ज्यादा कौन भाई, ज्यादा नहीं है जमा, ठीक कम है भाई, कम है, कम है। चलो जी, तो भाई ने कहा भाई इसने 182,000 में सेल करांगे, दूसरी लाओ जी। पशुपालक साथियों, क्या आप भी अपने पशुओं की लेवटी बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप उनसे और अधिक दूध प्राप्त करना चाहते हैं? तो आप अपने पशु के लिए 7 महीने की ज्ञापन होते ही पशु को सुबह शाम 10-10 ml राइट एज पिलाएं। इससे आपका पशु और अधिक सुंदर दिखेगा। राइट एज को आप सभी मेडिकल स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए 7890042000 पर संपर्क करें। धन्यवाद। और यह 2 नंबर पे है जो विक्की भाई, यह सेकंड टाइमर है भाई, सेकंड टाइमर है, दूसरे भी आई है जोड़ी। कह के दिन की ब्याई होगी, आज जे ब्याई है, दिन में भाई, आज दिन में ब्याई है, दिन में ब्याई थी। कटिया काटड़ा इस तरह, इसका नीचे काटड़ा है ना, इसका नीचे काटड़ा है जी भाई, नीचे भाई इसके मेल काफ है, कटड़ा है। आज बच्चे को जन्म दिया इसने दूसरे ब्यात में। हाँ भी। तो भाई इसका क्या मोल करोगे? इसके 1,19,000 रुपये है जब। 1,19,000 रुपये, 19,000 रुपये। हाँ भी। दूध की क्या उम्मीद लगा सके? दूध काट देगी भाई 14 किलो, 15 14 किलो तो काट देगी भाई। 1,19,000 में सेल करेंगे भाई, सेकंड टाइमर बिल्कुल ताजी ब्याई भाई। अगली लाओ जी, दूसरे की जोटी है जी भैया, दूसरे ब्यात की है। हाँ, दूसरे जनमन दूसरा ब्यात है, जनमन दूसरा है भाई। क्या कुछ डिटेल है इसकी? इसकी या कल ब्याई थी भाई, या कल ब्याई है। खीस बोला अभी बाकी है इसका, खाली निकली है। आइटम भैया दोनों अच्छी है, उनका आइटम। हाँ, कद भी बढ़िया है, वजन भी बढ़िया है भाई। अच्छा जी, अच्छी है जोड़ी भाई। तो कटड़ा कटिया, इसके नीचे कटिया है भाई, नीचे इसके कटिया है। हाँ, के कुछ मोल करोगे इसका? इसके 1,28,000 रुपये है भाई। 1,28,000 रुपये, 28,000 रुपये। देखो भाई, जो 182,000 मांगे थे जिसके, या उस तक कदमे भी ऊंची है, पर उसकी क्वालिटी कुछ है, इसकी क्वालिटी और डाल की क्वालिटी है भाई। उसका तो जोड़ी का थोड़ा कद मीडियम है। हाँ जी, नहीं तो बहुत अच्छी जोड़ी है ना, तो वार न्यू मान लो, और दो पीछे महंगी और रिंग की जोड़ी है। क्या कीमत बताई इसकी? 3 नंबर की 1,28,000 रुपये है। 1,28,000। हाँ भाई, दूसरा ब्यांत है, दूसरा ब्यांत है भाई, जोड़ी काट देगी दूध 15-16 किलो, 15-16 किलो दूध, दम बहुत सा जोड़ी में। देखो भाई, दूध में बताओ सच्चाई, धारा की भी बढ़िया न्यू नियक कदा चार लेवटा दिखे है, देती होवा 14 किलो। अरे जा बेटा पीछा जा, यहाँ बैठ जा, देती होवा 14 किलो और बता दे आप 18-20 तो वो झूठ बात जाए ना, झूठ बात जा नहीं, वो झूठे हो कोरी। या 4 नंबर पर भाई साहब, यह दूसरे जोड़ी है जी। अच्छा जी। हाँ, इसमें दूध हो रहा होगा, अब तक की ब्याई है, या दूध है इसमें 14-15 किलो, 14 किलो पक्का है, 14 किलो पक्का दूध है। हाँ। एक हफ्ते के ब्याई में, एक हफ्ते की ब्याई। 4 नंबर पर है रियाई के, अब तक चारों दूसरे ब्यात की है। हाँ, चारों दूसरे ब्यात की, और वे एक दो दो दिन की ब्याई है, या एक हफ्ते की ब्याई, या एक हफ्ते की ब्याई है। दूध इसमें तैयार कितना है? 14 किलो पक्का है, 14 किलो जमा पक्का दूध, 18 किलो 19 किलो दूध देगी जोड़ी, 18 किलो दूध देगी कम से कम। हाँ, नस बहुत से जोड़ी का, नस भी बहुत है, सींग भी बड़ा सुथरा है, छोटा सींग है, कद बहुत घना है जोड़ी का, कद भी अच्छा है। मोल के है भाई साहब इसका, मोल भी अच्छा है पाओगा ना, घना कौन भाई, कितने भाई इसके? 1,65,000 रुपये है जब। 1,65,000 रुपये। हाँ भाई, कद बहुत है जोड़ी का, पीठ भी अच्छी है भाई इसका। मोल है भाई 1,65,000 रुपये, जो की 4 नंबर कटिया है इसका भी, और नीचे फीमेल काफ है। वीडियो पूरे पूरे टाइम पे बढ़ने लग रही है, इससे टाइम धार लिखना है। 4 बज गए के? हाँ, 4:15 हो गए। हाँ, बस हो रहा है धारा टाइम, इससे टाइम धार लिखना है। हाँ। या 5 नंबर पे है जो, या खरखी जोड़ी है जी अभी। अच्छा जी, इसमें भी 13 किलो दूध पक्का है भाई, 13 किलो दूध पक्का है। तो ब्याई कै दिन की? ब्याई तो होगी होगी जी, अब 12-14 दिन की भी, 12-14 दिन की। तो 13 किलो दूध है, 13 किलो दूध है, फर्स्ट टाइमर जोटड़ी है भाई। कैक दांत से या तो दांत तो 6 है, 6 दांत है, 6 दांत जोटी है भाई। कद काठी की अच्छी है, प्योर जेड ब्लैक है। दूध बच जाएगी 3-4 किलो, 3 किलो दो भी, 3 किलो और उम्मीद बच जाएगी, कर देगी 16 किलो कर देगी भाई। के मोल है इसका भाई साहब? इसके 1,08,000
48,000 रुपये है जी। 1,48,000 रुपये मोल है इसका। आज 13 लीटर दूध इसके नीचे तैयार। के कटड़ा कटड़ी इसका कटिया है भाई। इसके नीचे भी फीमेल काफ है, कटड़ी है। हाँ क्या दिन की ब्याई बताई? ब्याई होगी या 13-14 दिन की? 13-14 दिन की ब्याई होगी। हाँ। और ये अगली भाई जो 6 नंबर पे, यह पहले ब्याह की है भाई। पहले ब्याह की? बिट्टू इधर ले आओ, फर्स्ट टाइमर है। के डिटेल है इसकी? या खींच तो खाली हुई है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, खींच तो खाली करी थी काले। नीचे कटड़ा है इसका, दो ही दांत है भाई। दो दांत समूह था बिट्टू। हाँ। दिखाइए एक बार, दांत खोल गए इसके। जसबीर कन्या कैमरे कन्या दिखा दे एक बार। देख भाई जसबीर, बिट्टू भी दिखे नहीं भाई। दो ही है भाई, अगला घरा देख लेगा, कोई दिक्कत कोई। चकरा देख लिया। हाँ, दो दांत। न्यू की न्यू चढ़ा लीजिए गड्डी में, दो दांत ना पाओ। दो आएगी, बहुत बढ़िया है। अच्छा जी। हाँ शुद्धि कटड़ी है। अच्छा। हाँ जमा बढ़िया है। ये देखियो बाह दिखा है, बाह है, बाह है, बाह है। अच्छा जी, तो इसका क्या मोल करोगे? इसके 1,05,000 रुपये। 1,05,000 5,000 रुपये है भाई। हाँ इस जोटड़ी का मोल, दो दांत जोटी है, दो दांत है भाई। वो भाई दिखा जो नहीं ताकि किसे गए आप सीजन ज्यादा ले रहे हैं। हाँ ब्याह का सीजन चल रहा है, बम लाग रहे बढ़िया। तो आंदिर जंदी है बढ़िया रहे हैं भाई। हाँ पानी भी सही है, जानी भी, आनी भी सही है। सही बात है, जानी भी सही है। और ये तो नहीं मान लो भाई, वन से बेला बड़ा है किसी। हाँ, है कि नहीं काम है भाई। हाँ जी, तो यह आ गई भाई साहब 7 नंबर पर बुरी। हाँ बुरी, इसकी के कुछ डिटेल है? ये तीसरे ब्यात में है भाई, थर्ड टाइमर है। हाँ, थर्ड टाइमर है। अच्छा जी। हाँ भाई, यह भी खींच तो खाली है, खरीदी खाल भाई। खींच तो खाली होगी, कितना दूध है? दूध होगा इसमें 8-9 किलो तो होगा भाई। 8-9 किलो। हाँ। तो इसकी कितने दूध की उम्मीद है जी? दूध काट देगी भैया 14 किलो तो काट देगी। 14 किलो की उम्मीद मान रहे हैं इसकी। हाँ, काट देगी। तो के मोल है इसका? इसके 1,15,000 रुपये है जी। 1,15,000 रुपये में इसने सेल कराएंगे भाई, जो बुरी भैंस है, तीसरा भैंस है इसका। धारा ही बहुत बढ़िया है। अच्छा जी, जमा धारा की साफ सुथरी है। खींच तक खाली हो गए, 7-8 किलो। 8 किलो तो है भाई, 8 किलो दूध तैयार है। अगली ले भाई 8 नंबर पे। 9 भी हो सके बुरी में। अच्छा 9 भी हो सके है। हाँ भाई, क्योंकि अब तो टाइम टू टाइम बदलेगी भाई। बदलेगी भी। तो ये आ गई 9 नंबर पे, इसकी क्या डिटेल है जी? यह जो भाई सेकंड टाइमर जोटी है। सेकंड टाइमर जोटी है। हाँ भाई, प्योर जेड ब्लैक है। प्योर जेड ब्लैक है भैया, घनी अच्छी जोटी है, बढ़िया पीठ पुठे की, बढ़िया सेहत की है। हाँ, वो कई बार मुकेश सरपंच मुरादपुर टेकना का आग्रह ना, भैंस का तो शरीर होना चाहिए बीयर की बोतल की त्रिया। हाँ भाई, आगे तो पतली पीछे तो चौड़ी ना जोड़ी है, घनी अच्छी है भैया जोटी। जामनी थी अपना मित्र है, बहुत बढ़िया नजदीकी मित्र है अपना, जामनी मारा दो रही हाड़। जामनी खेड़ा, जामनी गांव में। अच्छा जी, और या राजेश ने उसने बबलू है भाई, यो साथी अपना। अच्छा, और राजेश ने उगालन ते दवाई थी भाई उसने। अच्छा जी, खरकी जोड़ी तो ये उस भाई पे लेके आए हो आप? हाँ, खरकी का इसका राजेश ने उस भाई ने जो 19 किलो दूध तोलिया था भाई, फर्स्ट टाइमर का 19 किलो दूध इसका। इसका भाई ये दूसरा ब्याह थेगा? इसका भी दूसरे ब्याह होगी भाई, चेहरे दांत है वो तो जो खरकी कह ली इसने, इतना कच्चापन है जब। चार दांत से और दूसरे ब्याह होगी? दूसरे ब्याह होगी भाई, दूसरे ब्याह होगी। फर्स्ट टाइमर या? फर्स्ट टाइमर का 19 किलो दूध तो लेकर राजेश ने उगालन तो दुआई थी या। अच्छा, वो भाई बबलू थी जामनी गांव, जामनी गांव में, घनी अच्छी टॉप की जड़ी। कै के दिन रह रहे हैं इसके? इसके भी रह रहे हैं बाप तक तो रह रहे हैं इसका। कै के रुपये मोल करो का? इसके 2,10,000 रुपये है जी। 2,10,000। हाँ, अगर भैया दो दांत मान लो 19 किलो काट रही है दो दांत है जब। हाँ, चार दांत में दूसरे ब्याह होगी तो। हाँ जोड़ी बढ़िया है भाई, ठीक ठाक। 2,10,000 रुपये मोल है भाई, 2,10,000 रुपये कीमत है। और या जी 10 नंबर पे? या पहले ब्याह तो है भैया, जब गबन है, गबन है अभी। हाँ, बरह रहा है इसका, हफ्ता कर रहा है ब्याह का, एक हफ्ता बाकी है। हाँ, बांधे बिट्टू बांधे, कोई बंद। इसका क्या मोल करोगे? यह चार दांत जोड़ी है जी अभी। अच्छा जी। हाँ, यह दे देंगे 1,19,000 रुपये। 1,19,000 में सेल कराएंगे, फर्स्ट टाइमर बचा देगी। और ये मान लो हफ्ता बाकी है। हाँ, एक हफ्ता रह रहा है। 11 नंबर पे भाई साहब, 11 नंबर पे आज अभी कल सांझ के खींच तो खाली करी बोल रहे। अच्छा जी। हाँ, जोड़िया बढ़िया भाई, जसबीर का काम मत आई है जोटी का। अच्छा जी, जमोलियत आई, जमोलत आई, बढ़िया है जसबीर है ना, मैं बताऊंगा फिर समझ जाएगा। अच्छा, या तन्नई पहले देखी जसबीर, या 19 किलो दूध काट रही दूसरे ब्याह, तीसरे ब्याह में है भैया। अच्छा जी, तीसरे ब्याह में मोहल्ला गांव में काटा था इसने। अच्छा। हाँ, रिकॉर्ड है इसका दूध SLDP में, गांव में देख लिया जसबीर इसका रिकॉर्ड भाई। देखे ये भाई। हाँ, 19 किलो दूध काटा था, या परमेश के परमेश्वर गई थी भैया। अच्छा जी। हाँ, 22-23 किलो की माश परमेश पन्नूर गए। हाँ,
तो भाई इसका दूध रिकॉर्ड है 19 किलो खाली होगा ना, 5 किलो दूध काढ़ा बच्चा ने राजा भाई। अच्छा जी, तड़के। हाँ तड़के इसने भाई, तो इस बात में कि 20 किलो में तो धोखा नहीं मानते, 20 प्लस मान रहे हैं उम्मीद भाई, काढ़ा की जोड़ी दिखा भी दिया। अच्छा जी, हाँ खीस तो खाली होगा ना, 5 किलो दूध काट के मोल इसका, इसके 1,80,000 रुपये है, 1,80,000 में इसने सेल कराई है भाई। और HLDB में दूसरे बैंक का दूध इसका रिकॉर्ड है। हाँ रिकॉर्ड है भाई, जसवीर गांव में। और वह जो अपनी मेले में गई थी वह कित गई? हाँ वह भीतर है भाई, ले यह है भाई 12 नंबर पे इबाई है या? हाँ यही भाई थी भाई, बस के कुछ डिटेल है इसकी। यह दूसरा ब्याह होगी अजय भाई, दूसरा ब्याह होगी। हाँ ब्यात जनवन है दूसरा, ब्यात जनवन है भाई दूसरे का इसका। देखियो थोड़ा सा लग गया भी ना, लग दी गोन थानर लोटी कन देख कन। अच्छा जी देख ले भाई। तो भाई जी कह के देने इसका एक हफ्ता बयान करे रहा है जी, एक हफ्ते में तो घना सुथरा ले उठा, घना बढ़िया ले उठा करेगी भाई है, घना बढ़िया ले और तैयारी पकड़ जाएगी। हां वो भी ठड्डी बहुत सगात की भाई, मजबूत से दिखल लग रही है, गात की भी ठड्डी मोल के हीगा। इसके 1,19,000 रुपए है इसके भी अजय, 1,19,000 में भाई इसमें कती तोड़ा नहीं है। कोई भी भाई अगर इसने खरीदना चाहता है, एक हफ्ता इसका इब्बा बाकी है। हाँ, प्योर दूसरा ही है जब एक रात जुड़ लिया, यही इब्बा आई है अपने। और जनवन दूसरा बताओ भाई साहब, पहले ब्यात में कितना दूध काट रही है यार? पहले ब्यात का भी पूछा को ना अपन, तो दूध इसका वो काट दिया होगा 11-12 किलो, तो इकरा गांव की जुगर 12 किलो तो घाट खर किलो के बगरन दी कौन भाई, अपना पड़ोसी गांव है। हाँ बिल्कुल नजदीक का गांव है। तो भाई 1,19,000 रुपये मोल है इसका, 1,19,000 रुपये ले भाई। एक बार उसने और धनोला गई थी जो पंजाब घूम का आई है, मेला देख का ही है, एक बार इसने फिर अपने दर्शक का दिखा दे अपनी जाके उड़ा। अच्छा जी, यह 11,250, 11,300, 11,400 अच्छा ना, फिर आखिर में फिर लास्ट में भाई अपनी भी कमी रहेगी, जो भाई और जा रहे थे उन भाई कुछ तो डाइट का अच्छा दूध कढ़ाने का चक्कर में चनेर मेथी इतने छोड़ दिए, माश जाम कर दी भाई, जाम कर दी भाई। हाँ फिर मास ने खोर के शर ला लिया, माश परेशान हो गई थी, एक खाया ही कौन मास ने किमे भी ना, पानी पिया ना जुगाली की भाई। मैं कई बार फिर लाइव मिल्किंग करने चला जा ना, तो एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो में, कई बार हम पाइया बधाने के चक्कर में 2 किलो घटाव ना, वो 2 कोना पन तो भाई, और ट्रैक्टर नोएडा तो 24 किलो अकांडा करके ले रहा था भाई। अच्छा जी, सारी रात मास के बोतले से डे गई। एक अपना दाग दे सरदार जी, उनकी भी वह दूसरी थी ना जो जिसमें जय सिंह भाई की मास फर्स्ट आई थी। अच्छा, वह उस नस्ल में लाग रही थी। अच्छा जी, तो वह भी अगले दिन वह भी दूसरा नंबर तो थी, अच्छी जोटी थी वह भी दूध में, तो तड़के लगी है कौन फिर। ईब अपनी कितना दूध दे रही है? ईब ईब तो हमने तो यह खुली छोड़ दी भाई, हम तो नमकार खुआवा पराल। अच्छा, कौन गिर दे तुड़ी भी नहीं गिर, हाँ 5-4 दिन थोड़ी माश सेट होनी जरूरी, बहुत दुखी हो रही है माश क्योंकि अगले मेले की तैयारी करनी है। हाँ ईब अगले करेंगे भाई, कुरुक्षेत्र की तैयारी कराए, माश कुरुक्षेत्र की पूरी पूरी तैयारी। कौन सा ब्याह थे? तीसरे बैरी है यार। और इतनी नस तोड़े दिखाई है कोई नहीं, पराल मर मकम दिखावे है। अच्छा, और चलो जिस नहीं जिस चीज ने मन है वो खुआओ इसने, ना तो पराल और मकाई खुआवे भी एक ले जाओ इसने बिट्टू भाई, मास घड़ी अच्छी है भाई। तो देखो भाई कंपटीशन के बारे में तो जकरे चलते रहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा कंपटीशन था, 80 ग्राम दूध की कीमत 1,00,000 रुपया लगी है, 80 ग्राम की लगी, क्योंकि पहले नंबर पर अमित डांडा भाई की थी और वह चैंपियन रही, और दूसरे नंबर पर बेरा था 80 ग्राम घाट से, नहीं तो 10 मिनट बैठा रहे, 5-7 धारा 80 ग्राम हो गया था, नहीं तो फिर बेरा तो कौन था 80 ग्राम में घाट से, फिर भी 80 ग्राम आगे लेके मैं भी तो तैयार हो गया था 5-7 धारा। ओ तो मां काट ली थी उसने तो नहीं जी साहब, 80 ग्राम कम वाली के 5-7 धार लग गए ना, एक बात जरूर है ज्यादा वाले की भी लग सके। देख भाई भाई है सुखवा अमी डंड वाली भी आगे बढ़िया है। हाँ जी, मनवीर वाली माश ने दूध भाई 2.5-3 किलो बाद में बतावा तारिया। अच्छा। जब पूरा तार देर तो फिर जुगर माश फर्स्ट वाई आ गई थी जसवीर भाई, रोड़ा सारा भाग का है भाई, रोड़ा की बात से भाई सारा भाग का रोड़ा है। हां मनवीर तो फिर रोड़ा ही बेच बेचा आया था, नु मिला अपन तो भाई आड़े कराए काम, उड़े बेच आया था माशा, सेल कर दी थी, सेल कर आया था। तो भाई 80 ग्राम दूध की कीमत 1,00,000 रुपए लग गया धनोला मेले में, क्योंकि 80 ग्राम से भाई एक तो विजेता बन गया और एक उपविजेता रह गया। तो भाई कोई नहीं, तैयारी करो आप लोग भी, आप लोग भी ये सब कर सकते हो। फिर ये तो लड़ाई है भैया, तो खेल है ही, तो इसमें तो भी कौन सा हार भी जार जीत भी जा कोई हौसला बड़ा है, सही बात है जी। फोन नंबर क्या है अपना भाई साहब?
फोन नंबर तो पहले जो आगे मिले होंगे कमेटी का अपनी वीडियो ने देखता हो तो मेंबर भाई जो करोड़ है बढ़िया तैयारी बिठाई थी न्यू करें तो फिर बहुत हौसला होगा। सही बात। अगर कोई इक्का दुक्का आदमी की आप सपोर्ट ना करके उनका तो उत्साह बढ़ गया है फिर और सैकड़े आदमी से है जो बेचारे तले पड़े रहे जो आगे नहीं आन पाते भाई। अच्छा जी। तो कम से कम वह भी अपनी सख्ताई करें भाई अपने मेले जितने हरियाणा में हो जसवीर। अच्छा जी। वह भी उनसे अपील है भाइयों से जो भी जजेस बनेंगे अगर मतलब साफ सुथरा काम करें तो मजा होगा काम का भी। निष्पक्ष होना चाहिए दूध का दूध और पानी का पानी। सही हाँ। बात है जी। फैसले ऐसे होने चाहिए अब भाई आम आदमी भी ये सोचे कि भाई मेला बहुत बढ़िया हो यार आगे हम भी हर मेले में जावा। ओड़ा भी बहुत आदमी आवे थे अजय भाई से देख कर जो लास्ट की जो मिल्किंग चल रही थी ओड़ा भी कई साथी तो अपने दो रही से थे हम भी ले आंदे तो ठीक रहा हम भी ले आंदे तो ठीक रहा हमारे। सही बात। तो भाई भाइया दौरा जुन से दौरा भी जो भी पशु तैयार हो मौके पे तो लेकर जरूर जाना चाहिए अपने गांव में जो घर में जमींदार का भी सी टॉप टॉप की फैंसी फैंसी कटड़ी है छोटे छोटे सिंगा की जाना चाहिए तो जाना चाहिए उड़ा नाम हो जाए भाई डंगर का। तो भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बताई भाई ने। कमेंट में आप लोग भी अपनी राय कोई भी किसी भी तरह की राय हो पशुपालन से जुड़ी तो देते रहा करो। राम राम सारे ने। राम राम भाई सारे भाई राम राम।